सो आज का जो पोर्ट्रेट है गाइस काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं काफी टाइम से ग्रिड मेथड से किस तरीके से हम बना सकते हैं उस पर ट्यूटोरियल लेके आता था कंटिन्यू। तो गाइस काफी लोग फ्री हैंड ड्राइंग नाम सुनते ही थोड़ा घबराने लगते हैं कि फ्री हैंड हमसे ड्रॉ नहीं हो पाता, हम तो ग्रिड मेथड से बस ड्रॉ करते हैं, हमको ग्रिड मेथड से ही बस ड्रॉ करने आता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट इजी तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से पहले चीजों को सिंप्लीफाई किया जाता है, सिंपल उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है, उसके बाद हम उसमें आउटलाइन डिटेल्स कैसे ऐड किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ये कंप्लीट देखेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से पूरा देखना और अपने फोन को फुल स्क्रीन मोड पे डाल दो ताकि आपको सारा चीज अच्छी तरीके से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं एक हेड के लिए एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पेपर के सेंटर पे नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा राइट साइड कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा हैंड है और जो त्रिशूल है वो थोड़ा लेफ्ट साइड आएगा, इसलिए मैं राइट साइड यहाँ पे हेड के लिए सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो हेड ड्रॉ करूँगा वो लूमिस मेथड का यूज़ करूँगा, बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लूमिस मेथड से जिस तरीके से ड्रॉ करते हैं उस तरीके से पहले हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगा। लूमिस मेथड गाइस काफ़ी ईजी मेथड है, अगर आपको लूमिस मेथड पर अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके बताना। तो जिस तरीके से अभी मैं बना रहा हूँ, शेप बना रहा हूँ, एक एक लाइन बना रहा हूँ, सेम अगर आप वो चीज़ देख के फॉलो करेंगे तो आप भी इसको ईजिली ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हमको हेड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। तो सबसे पहले गाइस जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करो फ्री हैंड आउटलाइन, तो बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लेना कि कौन सा चीज़ कहाँ पे आएगा। तो मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, इससे क्या होता है कि जो पेपर है उस पर हमारा जो शिव जी का मतलब जो भी हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, जो भी हम कंपोज करना चाह रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे से कंपोज होता है, मतलब उसका जो भी रहता है पेपर पे काफ़ी अच्छे से दिखता है कि कौन सा एरिया कहाँ पे रहेगा। ये चीज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है गाइज, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जब हम इसका फाइनल आउटपुट देखेंगे तो हमको उतना ज़्यादा फील नहीं आएगा। इसलिए कंपोजिंग पे सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देना कि कंपोजिंग आपका अच्छा हो और आपका ड्राइंग अच्छा हो। ड्राइंग अच्छा होगा गाइज तो आप जो बाद में शेडिंग करते हैं, कलरिंग करते हैं, वो आप अच्छा कर सकते हैं। सबसे मेन फोकस रहेगा ड्राइंग पे। तो गाइज यहाँ पे मैंने हेड ड्रॉ कर लिया और एक हल्का सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हेयर का, मैंने पूरे डिटेल नहीं किया हेयर पर, हल्का हल्का सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया हेयर का कि इस तरीके से हेयर आएगा। उसके बाद जो बॉडी का शेप है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ गाइज। ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं कि हमारा जो आउटलाइन है एकदम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर, इसके अंतर्गत इसके आसपास ही हमारा जो मेन आउटलाइन है जो कि मतलब हम जो मेन आउटलाइन ड्रॉ करेंगे वो आएगा। तो अभी ध्यान से देखो किस तरीके से मैंने पहले शोल्डर बनाया है, चेस्ट को दिया कि किस तरीके से चेस्ट होगा, गले पे माला कैसे होंगे, हाथों में जो पहनने का होता है वो किस तरीके से होगा, बॉडी पोस्चर क्या होगा, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी मैं हैंड का शेप दे रहा हूँ और जो त्रिशूल है उसका जो एंगल है मैं यहाँ पे हल्के से ड्रॉ कर रहा हूँ कि इस तरीके से त्रिशूल का एंगल जाएगा, बाकी हम जब ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट एंगल देख लेंगे कि एग्जैक्ट कितने डिग्री पे वो झुका हुआ है, हैंड का पोस्चर क्या है, हैंड का साइज़ क्या होगा गाइस उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो ये रफ स्ट्रक्चर है, हैंड का साइज़ जो हमारा फेस का साइज़ रहता है उसके अकॉर्डिंग ही रहता है गाइस। हर चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर करके आप बनाओगे कि अगर हमारे हेड का साइज़ ये है तो हमारे हैंड का साइज़ क्या होना चाहिए, इस तरीके से बनाओगे तो आपका जो कंपोजिंग है और जो आपका ड्राइंग है काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगेगा। जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका फोटो क्लिक करके मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे जाके देखना बेसिक स्ट्रक्चर का आउटलाइन। और अभी मैं गाइस उस पर डिटेल कर रहा हूँ, मतलब जो फेस का स्ट्रक्चर हमने बनाया था उस पर मैं आई, नोज, लिप्स, हेयर के डायरेक्शन, उन सारी डिटेल्स को यहाँ पर देते जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने आईब्रो को ड्रॉ किया गाइस, आईब्रो का लाइन आपको पता होगा कि किस तरीके का होगा, अगर आपको लूमिस मेथड पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैं बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए यहाँ पे आई, नोज, लिप्स बनाऊँगा। तो पहले मैंने आईब्रो बनाया
उसके बाद जो सेकंड आईब्रो है वो जो कि लाइन दिख रहा है हमको उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। तो मैं अपना सेकंड आई का भी आईब्रो बना रहा हूँ। उसके बाद जो आई है गाइज में, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, क्लोज टाइप का है आईज, मतलब डिटेल्स नहीं है, आपको ब्लैक आईज दिखेंगे। तो काफ़ी सिंपल सा है, बिल्कुल आराम से ड्रॉ करो जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ। आप इसका रियल टाइम वीडियो चाहते हो तो रियल टाइम वीडियो भी अपलोड कर देंगे। काफ़ी अच्छा ये ड्राइंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये यहाँ पे अभी मैं सेकंड आई को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। नोज के शेप को फॉलो करना है, लिप्स के शेप को फॉलो करना है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, आप अगर इसको और स्लो करके देखेंगे तो ईजिली ड्रॉ कर लेंगे। बस इसको फुल स्क्रीन मोड पर चलाना ताकि आपको सारे डिटेल्स क्लियर नज़र आए। फेस का एंगल बनाएंगे गाइस, जो जॉ लाइन बनाएंगे उसको बिल्कुल केयरफुली करना, बिल्कुल आराम से करना। अगर जल्दी में करोगे तो इसका जो शेप बिगड़ेगा, तो इसका जो एंगल है, जो हेड का एंगल कि किस तरीके से झुका हुआ, किस तरीके से कौन से एंगल पे, वो प्रॉपर फील नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आराम से इसका जो प्रोपोर्शन है उस पर फोकस करना। तो देखो किस तरीके से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, काफ़ी आराम आराम से बना रहा हूँ गाइस। एक बारी में लाइन खींच दिया ऐसा नहीं, हल्के हल्के से स्ट्रोक देते हुए उस लाइन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये हमारा देखो फेस कंप्लीट हो गया, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था उसके ऊपर फेस हमारा कितना क्लियर नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका जो मेन आउटलाइन बनते जाएगा गाइस, जो आपने जो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए जो आउटलाइन ड्रॉ किया था हल्के हल्के से, उसको हल्के हल्के से इरेज करते जाना ताकि जो हमारा आउटलाइन है वो अच्छी तरीके से आपको उभर कर दिखे। अब गाइस आप अगर आप फ्री हैंड ड्रॉ कर रहे हैं तो आप हेयर अपने अकॉर्डिंग बनाइए, एग्जैक्ट सेम बने ऐसा जरूरी नहीं है गाइस। जो फील आ रहा है कि हवे में उड़ रहा है, लंबे हैं बाल, उन सारी चीज़ों पर फोकस करना कि हाँ बाल इतने लंबे इस तरीके से ऐसे कर्व जाएंगे और लास्ट में वो पॉइंट छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आपको बस उसके फील को पकड़ना है कि हेयर का जो फील है किस तरीके से उड़ रहा है और वो जो लंबे लंबे बाल है वो हमको दिखाना जरूरी है। बाकी ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इधर मुड़ा है उधर मुड़ा है, जितना ज़्यादा आप कॉपी कर सकते हैं जो रेफरेंस फोटो उतना ज़्यादा ट्राई कीजिए। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट ड्रॉ करो, आपसे जितना बेस्ट हो पा रहा है आप उतना बेस्ट दीजिए।
तो गाइज यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से जो भी हेयर का डायरेक्शन है वो सारा चीज़ दे रहा हूँ। और उसके बाद गाइज जो गले पे माला है वो कौन सा है, किधर किस एंगल पे गया है, कैसे कर्व हुआ है, उन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखो, मेरे आउटलाइन में ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, और सेम चीज़ फॉलो करते जाओ। काफ़ी ईजी गाइज, अगर आप इस तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो फ्री हैंड ड्राइंग है ना वो काफ़ी जल्दी स्पीड में ग्रोथ होगा उसका। बॉडी शेप पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा गाइस, क्योंकि बॉडी शेप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने फेस अच्छा बनाया, बॉडी परफेक्ट ना बना पाओगे तो वो ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा, इसलिए बॉडी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। अब गाइस जो त्रिशूल है वो यहाँ पे मैं स्केल के थ्रू ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सीधा लाइन है तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हो। और एंगल देखना कि कौन से एंगल पे है और हैंड के कौन से पोर्शन पे हमारा जो त्रिशूल का लाइन है वो जा रहा है। तो देखो जैसे मैंने त्रिशूल का लाइन अभी बनाया तो मेरा हैंड जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था उससे हैंड थोड़ा बाहर चले गया। तो अब क्या करना है, हमको दिखाना है कि वो त्रिशूल उनके हाथ में है, तो हमको हैंड का पार्ट आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो हैंड का पार्ट है वो फेस के पार्ट से अकॉर्डिंग टू मतलब थोड़ा सेम ही रहेगा, ज़्यादा छोटा नहीं रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं इसका हैंड के पार्ट को बना रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा हैंड है, डिटेल्स तो ज़्यादा है नहीं, काफ़ी सिंपल सा है। तो बस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाओ। त्रिशूल में जो डिटेल है अब मैं उसको दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी डिटेल दे सकते हैं या फिर रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही, जो रेफरेंस में है आप अपने अकॉर्डिंग उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, ये रेफरेंस फोटो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना गाइस, क्योंकि मैंने अपने फोन को अपग्रेड किया गाइस। तो कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो क्वालिटी, और आज के इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताओ कि ये वाला जो ड्राइंग है आप इसको कलर पेंसिल से करना पसंद करेंगे या पेंसिल स्केच, आप जो भी हम कमेंट करेंगे मैं उसी पे इस ड्राइंग को ड्रॉ करूंगा। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।